हेलो यू गाइस, आई होप एंड प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को खूब मज़े से और खूब मस्ती से गुजार रहे होंगे जस्ट लाइक मी। और मेरी लाइफ आजकल थोड़ी सी बिजी और थोड़ी सी क्रेजी चल रही है और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाई हूँ कि कुछ एडिट करूँ और कोई वॉइस ओवर करूँ। और सबसे बड़ा पंगा जो मुझे फेस करना पड़ता है वो कॉपी राइट का इशू है। बिलीव मी, 2-3 टाइम्स जो है वो ये इशू आ जाता है और अगेन से एडिट करना, अगेन से डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और प्रॉब्लमेटिक भी है। सो दैट्स वाई आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। तो जैसे ही सितंबर का आगाज़ हुआ है, साथ ही शदीद सर्दी की जो एक लहर है वो हर तरफ फैल गई है। और जो शाम के टाइम हल्ला गुला मस्ती और बच्चों के शोर शराबे की आवाज़ आती थी और गहमा गहमी सी नज़र आती थी, अब वो बस ख़त्म ही होने को है। और उसकी जगह पे शाम के टाइम ठंडी या हवाएं चलती हैं और जो अपने साथ दरख्तों के पत्तों को उड़ाए लिए फिरती हैं और सुबहें भी फोगी फोगी सी हो गई हैं और वेदर जो है एकदम से ही सर्द हो गया है। Change in the weather is sufficient to recreate your world and to recreate yourselves. अगर एक जैसी चीज़ चाहे वो जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो इंसान को बोर कर देती है, डिप्रेशन देने लगती है। सो चेंज हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जो हैं ये वेदर्स बनाया, सुबह शाम बनाई है, ताकि हमें अपनी लाइफ में चेंज मिलता रहे। अगर विंटर्स हैं और वो काफ़ी टाइम तक रहें तो वो भी इंसान को बोर कर देते हैं, समर वो भी काफ़ी टाइम रहे तो बोर कर देते हैं। सो चेंज का आना बहुत ज़रूरी है और वेदर के चेंज के साथ ही हम अपनी लाइफ को भी रिक्रिएट कर सकते हैं, अपने घर को एक अच्छा अफेक्ट दे के वेदर के लिहाज से अपने इर्द गिर्द को भी चेंज कर सकते हैं। और ये तब्दीली जो है वो इंसान के मूड पे, आपके इर्द गिर्द बसने वालों के और आपके साथ रहने वालों पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। सो व्हाई नॉट। चेंज योर वार्डरोब, चेंज योर लाइफस्टाइल। और घर में जो समय के लिहाज से कूल सी वाइब थी, अब उसको गुड बाय करते हैं। इजी बिजी कपड़े और जो सैंडल खूबसूरत खूबसूरत पहनी जा रही थी उनको भी अब पैक करते हैं और उनकी जगह पे जो इस वेदर के लिहाज से वार्म टोन्स हैं वो ले लेंगी। और स्वेटर वेदर अभी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि स्वेटर वगैरह अक्टूबर में स्टार्ट होता है, जब ऑटम स्टार्ट होती है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, शामें ठंडी हो गई हैं, उसके लिए आप कोई भी पुल ओवर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स जो हैं अब वो हल्के फुल्के कलर्स पहनने से ना ठंडक का एहसास होता है। सो हमें अब अपने वार्डरोब में भी वार्म्थ कोजीनेस ऐड करनी है और घर में भी। सो लेट्स स्टार्ट। द थिंग्स मच बेटर मच ईजियर। सो मेक अ प्लान, मेक अ लिस्ट कि आपको किस टाइम पर क्या काम करना है। लाइक फ्राइडे आफ्टरनून मुझे पता है कि मेरे पास टाइम होता है और इसमें मुझे क्या काम करना है, मैं पहले से ही लिस्ट बना के और प्लान करके रखती हूँ। और जैसे ही फ्राइडे आफ्टरनून मैं घर पर आती हूँ, साथ ही मैं अपना वो काम स्टार्ट कर देती हूँ। वीकेंड्स मेरे वीकडे से भी ज़्यादा बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, बच्चों के साथ आउटिंग, ग्रोसरीज, और संडेज़ को जो है नेक्स्ट वीक की प्लानिंग्स, नेक्स्ट
वीक की प्रिपरेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप अगर एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, तो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट और लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स भी रहेंगे। साफ किया था, एंट्री वे भी साफ़ किया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी मैं ये सब काम करके बिल्कुल भूत बन चुकी थी, सोचा कि पहले एक अच्छा सा शॉवर लेती हूँ और फ्रेश होके फिर आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या किया है। और इतना को रिलैक्स और फ्रेश फील कर रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और घर साफ है और सबसे बड़ी खुशी कि वीकेंड है आगे और अब मेरा मी टाइम है। फ्राइडे नाइट को हमेशा मेरा मी टाइम मस्ट होता है। कोई अच्छा सा मास्क मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सारा वीक मतलब आप इतने बिजी होते हैं कि अपने आप पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाती। सो थोड़ा सा टाइम अब अपने लिए भी ज़रूरी है, जिस तरह घर के लिए थोड़ा टचअप ज़रूरी, इसलिए इसी तरह सेम अपने लिए भी टचअप ज़रूरी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो केमिकल्स पे बिलीव करते हैं। मुझे ये फेशियल्स वगैरह बिल्कुल सूट नहीं करते, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो मेरे लिए बस एक अच्छा सा मास्क जो है वो ही काफ़ी है और एक अच्छे सा ऑयल, डिफ्यूज़र ऑयल का होना मस्ट है। आप अगर बिल्कुल रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो कोई अच्छी सी कैंडल, अच्छा सा अरोमा ऑयल यूज़ करें, वो आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कलेक्शन है डिफ्यूज़र ऑयल की। इंशाल्लाह एक अलहदा सी फ्लॉग बनाऊँगी इसके ऊपर और आपसे शेयर करूँगी। जो घर को घर बना सकती है, आप सर्विसेज हायर कर सकते हैं, हेल्पिंग हैंड्स भी हैं आपके पास, लेकिन वो सब कुछ जो करेंगे वो उसको अपना घर समझ के नहीं बल्कि जस्ट अपना काम समझ के कर रहे होते हैं। सो एक जो हाउस लेडी है वो ही अपने घर को घर समझ के काम करती हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट दें, थोड़ा सा मूव करें और अपने घर को घर बनाएं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को स्पेशल फील करवाएं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को वो वाइब दें कि वो घर आने के लिए बेकरार ने और घर में उनको कोजीनेस, वार्म्थ, वो अच्छी सी फ्रेग्रेंस, अच्छा सा अरोमा मिले कि उनको घर आते ही रिलैक्सेशन फील हो और घर आने का ख्याल भी जब उनके दिल में आए तो वो रिलैक्स फील करें। सो इट्स ए फ्राइडे नाइट नाउ और काम ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ और ये डिनर का टाइम है। और डिनर में कभी आपने पराठा खाया है? अगर नहीं तो बिलीव मी एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें, इतना मज़ा आता है कि क्या आपको सुबह के टाइम पराठा खाने में वो मज़ा आता होगा जो रात के टाइम पराठा खाने में आता है। सो मेरा पराठा रेडी हो चुका है, मैं जाके अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ
और आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. टिल नेक्स्ट व्लॉग डोंट वरी बी हैप्पी ऑलवेज कीप स्माइल टेक केयर अल्लाह हाफिज़.